दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल फैक्ट शेयर पर। दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ सारे के सारे लोग ही पढ़े लिखे हैं, एक ऐसा देश जहाँ अधिकांश काम घर बैठे ऑनलाइन ही किया जाता है, एक ऐसा देश जहाँ महिलाओं की भरमार है और 100 महिलाओं के लिए केवल 90 पुरुष ही हैं, एक ऐसा देश जहाँ देह व्यापार करने की आज़ादी खुद सरकार देती है। दोस्तों, मैं जिस देश की बात कर रही हूँ उसका नाम है एस्टोनिया। यह कंट्री यूरोप महाद्वीप में आती है। दोस्तों, एस्टोनिया एक बार नहीं बल्कि दो बार आजाद होने वाला देश है, इसीलिए एस्टोनिया के लोग 24 फरवरी और 20 अगस्त दोनों ही दिन अपनी आज़ादी मनाते हैं, पर आधिकारिक रूप से 24 फरवरी को नेशनल हॉलीडे दिया जाता है। दोस्तों, एस्टोनिया की आबादी बढ़ने की वजह तेजी से घट रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ 2000 जोड़ों में केवल 50 जोड़े ही बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि एस्टोनिया की महिलाएं बच्चे इसीलिए नहीं चाहती हैं कि इससे उनकी शारीरिक सुंदरता खराब हो जाती है। इस देश में लड़कों की और आदमियों की संख्या महिलाओं से काफी कम है। एस्टोनिया में टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 13,28,000 के आसपास है, जिसमें 2,00,000 महिलाएं आदमियों की कमी के चलते अकेले रहने को मजबूर है। दोस्तों, एस्टोनिया के कानून के मुताबिक दिन हो चाहे रात गाड़ी चलाते वक्त हेडलाइट ऑन रखनी पड़ती है। इसके पड़ोसी देश स्वीडन, फिनलैंड, रशिया और लातविया है, और एस्टोनिया इन्हीं 4 देशों में सबसे ज्यादा अपने सामान का आयात और निर्यात करता है। अगर एस्टोनिया के क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसका भूमि क्षेत्रफल केवल 45,339 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वैसे तो ये पूरा देश ही खूबसूरत है, पर जब बात राजधानी की होती है तो एस्टोनिया की कैपिटल सिटी टालिन को बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़े शहर का सम्मान अब्जापारी सिटी को जाता है। दोस्तों, एस्टोनिया को अगर नास्तिक लोगों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के केवल 20% लोग ही ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 80% लोग किसी भी धर्म, भगवान या फिर ईश्वर पर यकीन नहीं रखते। यहाँ की सरकारी व्यवस्था काफी अच्छी और आसान है, क्योंकि यहाँ के लोग केवल 10 मिनट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अपनी कंपनी रजिस्टर भी करवा सकते हैं। एस्टोनिया के अधिकांश शहरों में वाईफाई बिल्कुल फ्री है। राजधानी टालिन में यहाँ की सरकार ने सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नागरिकों के लिए बिल्कुल फ्री कर रखा है, ताकि लोग अपनी कार्स या गाड़ियों का कम से कम उपयोग करें। इस देश के लोगों को काफी स्वस्थ और फिट माना जाता है, क्योंकि यहाँ की 50% धरती पेड़ों से घिरी हुई है और यहाँ मेडिकल व्यवस्था काफी अच्छी है। 2011 से पहले यहाँ एस्टोनियन करून चलता था, लेकिन अब यहाँ एस्टोनियन यूरो चलता है, जो भारत के 86 रुपए के बराबर आता है। दोस्तों, इस देश के बीचेस काफी साफ होते हैं, क्योंकि इन बीचेस पर कम भीड़ होती है। इसके अलावा आप यहाँ एस्टोनिया की सुंदरता को भी निहार सकते हैं। आने वाले कुछ सालों में एस्टोनिया को पूरे यूरोप की टूरिस्ट कैपिटल के रूप में देखा जा रहा है, खास तौर पर मेल टूरिज्म को, जिसका कारण है यहाँ की बेहद ही सुंदर सुंदर महिलाएं। एस्टोनिया की सड़कों को काफी साफ सुथरा माना जाता है और इसकी नाइट लाइफ में युवा काफी मस्ती करते हैं। घूमने के लिहाज से यह विश्व के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। गर्मियों के दिनों में यहाँ अच्छी खासी धूप निकलती है, जिसे यहाँ के लोग खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन सर्द मौसम में कई दिनों तक सूरज का अता पता ही नहीं होता और बर्फबारी भी जमकर होती है। इसीलिए एस्टोनिया के लोग गर्मियों के दिनों में छुट्टियां लेकर उसे त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। यूरोपीय नागरिकों को केवल पासपोर्ट की मदद से एस्टोनिया घूमने की आज़ादी है, जबकि अगर किसी भारतीय को एस्टोनिया जाना है तो इस देश का वीजा लेना अनिवार्य है। एस्टोनिया के सबसे प्रमुख शहर, राजधानी टालिन के अलावा तर्तु, पर्नू, नरवा, प्रीता, रेपला, सिंडी और टूरी है। आने वाले कुछ सालों में एस्टोनिया को पूरे यूरोप की टूरिस्ट कैपिटल के रूप में देखा जा रहा है, खास तौर पर मेल टूरिज्म को, जिसका कारण है यहाँ की बेहद ही सुंदर सुंदर महिलाएं। एस्टोनिया की सड़कों को काफी साफ सुथरा माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एस्टोनिया का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देकर
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगी अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो दोस्तों, अगर आपको एस्टोनिया का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगी अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।